जेन, तुमसे ऐसी बदबू क्यों आ रही है? मैं बस ज्यादा एक्साइटेड थी। नहाती हूँ। ओ लड़कियों, तुम यहाँ आ भी गई। मैंने तुम्हारे लिए पुरस्कार तैयार किया है। ये स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट है, क्या तुमने ये देखा? ठीक है, मैं शुरू करूँगी। मुझे सच में स्कूल स्पंज की जरूरत है। मैं सबसे अच्छा पैनकेक बनाऊंगी और इनाम जीतूंगी और इस भयानक गंध से छुटकारा पाऊंगी। वाह, बस थोड़ा सा रंग जोड़ना बाकी है। ओह, फिर ये मेरे ड्राइंग शुरू करने का समय है। मैं भी एक कूल ड्राइंग बनाऊंगी। अब तक सब ठीक लग रहा है, पर यहाँ रंगीन चमकदार रंग की जरूरत है। मैं इसमें रंगीन बैटल भरूंगी और ड्रॉ करूंगी। मुझे कोई कंजूसी नहीं करना है। अच्छा है ना? अच्छा, सपने में। लड़कियों, समय पहले ही समाप्त हो चुका है, अब अपना काम दिखाओ। पहले कौन दिखाएगा? वाओ फीबी, तुमने बिल्कुल कोशिश नहीं की। यह बहुत खराब बना है। स्पंज कहता है तुम हार गई। और जेन, वाओ अच्छा किया, तुमने अच्छा बनाया, यह तुम्हारा हुआ। वाओ यह ठीक है, इस बदबूदार को इसकी ज्यादा जरूरत थी। अपना इनाम ले लो डियर। वाओ कितना अच्छा। दादी ने इस बार हमारे लिए क्या तैयार किया है? मैं एक रोबोट हूँ। ओ, तुम्हें मेरा रोबोट डांस कैसा लगा? खैर, मेरे पास एक नया उपहार है। यह एक प्यारा रोबोट है। जल्दी ड्रॉ करो, मैं किसी भी हाल में इसे जीतूंगी। मैं इस रोबोट के साथ चलूंगी, खेलूंगी, स्कूल जाऊंगी और एक साथ कार्टून देखूंगी। अरे कुछ दर्द हो रहा है। फिर भी तुमने काफी ख्वाब देख लिए हैं, लेकिन रोबोट मुझे ही मिलेगा। मैं उसे हमेशा अपने साथ रखूंगी। लेकिन तुम्हारी ड्राइंग भयंकर लग रही है। बेहतर होगा कि देखो एक प्रोफेशनल कैसे पैनकेक्स ड्रॉ करते हैं। यहाँ मेरी ड्राइंग है, मुझे बस इसे पेंट करना है और बस कुछ बारीक काम यहाँ और यहाँ। वाह, मेरे बचपन में ऐसे खिलौने नहीं हुआ करते थे। मैंने बहुत खेला और ध्यान नहीं दिया। चलो दिखाओ तुम लोगों ने कैसा किया। यह कुछ खास नहीं है फीवी का। हाँ यह अच्छा लग रहा है फीवी, रोबोट पक्का तुम्हें मिल रहा है। कितना अच्छा, मेरा अपना रोबोट है फीवी। अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं भी करूँगी। ओह, हम आपको सुन रहे हैं दादी। तुम्हारी प्यारी दादी ने बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर बनाया है। मैं इसे खुद ही खा लेना चाहती हूँ, लेकिन मैंने इसे पहले ही तुम्हें दिखा दिया, इसलिए मैं ये उसे दूंगी जो इसे अच्छे से ड्रॉ करेगा। चलो शुरू करते हैं। फिर हमें जल्दी ड्राइंग शुरू करनी होगी। बर्गर ड्रॉ करना आसान होगा, ये सिर्फ गोल परते हैं और बस। हमें इसे बस रंगीन बैटर से भरना है। मैंने बंस को फूलों से भर दिया है और मुझे लाल चाहिए। ओ नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया। फीवी, तुम फिर से अपने स्टाइल में हो। मैंने पहले ही पता लगा लिया है कि कैसे जीतना है। मैं बस प्रत्येक परत को अलग से ड्रॉ करूंगी और फिर उसे इकट्ठा करूंगी इस तरह से। अब सब कुछ प्लेट पर रखने और पैनकेक बर्गर को इकट्ठा करने की जरूरत है। मैं जीनियस हूँ, मेरा तैयार है। ओह, ये मेरे लिए काम नहीं किया। स्टोव पर केवल लाल गू है, हम इसके पीछे बर्गर नहीं देख सकते। ये ठीक से काम नहीं किया। जेन, तुम्हें मुझसे सहानुभूति होनी चाहिए। चलो दादी को दिखाते हैं, शायद पसंद आ जाए। चलो समय समाप्त हो गया है, तुमने कैसा किया है मुझे दिखाओ। ओ जेन, तुम्हारी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। खाओ बेबी। वाह, आखिरकार मुझे बहुत भूख लगी है। वाह दादी, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है, लाजवाब। ओह मेरा पेट भर गया। मेरी तरह करो जेन। और अब यहाँ, मैंने तुम्हारे लिए मार्शमेलो के साथ कोको बनाया है। मुझे पता है तुम्हें कितना पसंद है, तो चलो जल्दी ड्राइंग शुरू करते हैं। लड़कियों, तुम्हें नियम याद है, केवल एक को कोको मिलेगा। समय शुरू हो चुका है, चलो जल्दी करो। सबसे अच्छा वो तो मेरा ही होगा। अब मैं सबसे अच्छा पैनकेक बनाऊंगी। मैंने पहले कभी इतनी मेहनत नहीं की है, लेकिन मैं वास्तव में दादी का कोको चाहती हूँ। थोड़ा पीला जोड़े। वाओ, मैंने कितना अच्छा बनाया है, वो पक्का मुझे जीत दिलाएगा। वाओ, मुझे जल्दी करना होगा। हाँ चलो, यहाँ इधर ये रंग भरती हूँ। मुझे यह जरूर जीतना है, क्योंकि मैंने हाल ही में मिनियन के सभी कार्टून्स देखे हैं। ओह, बस हो गई है। हेलो, जागो, देखो तुम्हें मेरा कैसा लगा। इसे पलट देती हूँ। हाँ, और अब मैं आपको अपना सुंदर दिखाऊंगी। ओह, तलते समय कुछ गलत हो गया। ओह, और समय समाप्त हो गया है, बाय बाय। जेन ने क्या किया है? ओ, यह कुछ खास नहीं है। चलो देखे फीवी ने क्या किया है। फीवी बहुत स्मार्ट लड़की है, उसने बढ़िया मिनियन बनाया और जीत रही है। तुम इसे पूरा पी सकती हो। वाओ, चलो मैं इसे एक खा के देखती हूँ, बहुत स्वादिष्ट है। हुर्रे, चलो अब इसे ट्राई करें। बहुत बढ़िया। ओह, दादी भूल गई कि यह तुम्हारे लिए है।
चलो तुम्हें यह जिंजर ब्रेड मैन बनाना होगा। समय शुरू हो गया है, जल्दी करो। जेन चलो इस राउंड में बिना हाथों के करते हैं, ये बहुत मजेदार होने वाला है। हाँ कूल आइडिया। ओह ये उतना आसान नहीं है, अपने मुंह में एक ट्यूब रखना बहुत मुश्किल है। चलो पहले आउटलाइन बनाए। जेन ने ड्राइंग शुरू भी कर दिया, मुझे जल्दी करना होगा। चलो चलो जल्दी करो। ओह कुछ काम नहीं कर रहा है, अरे कुछ गलत हो गया। Yes! तुम्हारी ड्राइंग मस्त है और मैं अपनी कुकी पेंट कर रही हूँ। मैं इस बार अपने हाथों से कर रही हूँ। Oh, no! इस तरह से बहुत सुविधाजनक है। जेन बहुत अच्छा कर रही है और मैं। जेन मुझे आशा है कि तुम अपनी बहन के साथ कुकी शेयर करोगी। शेयर? क्या मैंने पहली बार ऐसा कुछ सुना है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं यहाँ अपनी जीभ नहीं दिखाती, नहीं तो तुम्हें टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। अब मैं सबको पेंट करूँगी और अब हम इसे पलट सकते हैं। बिल्कुल सही। और मेरा कैसा हुआ है? कितना डरावना है दादी, सॉरी। ड्राइंग इतनी खराब क्यों है फीवी? ये भयानक है। जेन ने कैसा किया है? वाओ जेन, तुम्हारी ड्राइंग असली जिंजर ब्रेड मैन की तरह है। पुरस्कार तुम्हारे पास जाएगा। हुर्रे, मैं जीत के लिए अपने हाथों को धन्यवाद देती हूँ। वाओ ये बहुत स्वादिष्ट है फीवी, मैं दुनिया की सबसे अच्छी बहन हूँ, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। लो खाओ। वाओ ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। फीवी मुझे गुदगुदी हो रही है। ओह दादी बुला रही है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया सरप्राइज है। यह चॉकलेट अंडे के साथ एक किंडर टॉय है ना दादी का आइडिया? अच्छा मुझे पता है तुम्हें पसंद है। फिर समय शुरू होता है, ड्रॉ करो। तो अब मुझे अपना टैलेंट दिखाना होगा। चलो आउटलाइन से शुरू करें। ये अच्छा बन रहा है। अरे लाइट किसने बंद की? मुझे अंधेरे से डर लगता है। फिर भी मैंने तुम्हारी वजह से अपनी ड्राइंग को बर्बाद कर दिया। ओह मेरे लिए ड्राइंग शुरू करने का समय है। अब मैं एक सुंदर ड्राइंग बनाऊंगी जो दादी को जरूर पसंद आएगी, वो मेरी तारीफ करेगी। जेन क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। चलो इसे पलट दे। वाह मैं यह जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि मैंने क्या किया है। तो यह कैसा है? वाओ कूल, दादी खुश हो जाएंगी। दादी ओ लड़कियों, जेन तुम्हारी ड्राइंग बहुत आसान लग रही है, लेकिन फीवी की यह जादुई है। तो किंडर मिलेगा फीवी को। सच में आखिरकार मैं जीत गई। मेरे पास आओ दोस्त, अब चॉकलेट अंडे को खाते हैं। जेन मैं तुम्हें एक दूंगी और मैं बाकी खाऊंगी। स्वादिष्ट। चलो एक साथ खिलौने खोले और पता करें कि हमें क्या मिला है। वाह मेरे पास एक अजीब सा जानवर है और एक एस्ट्रोनॉट। कूल, मेरे पास भी एक अच्छा खिलौना है। लड़कियों शांत हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया पुरस्कार है, एक हड्डी। मैं मजाक कर रही हूँ, कुत्ता। मैंने समय शुरू कर दिया है, चलो जल्दी ड्रॉ करो। वाह कितना अच्छा, मुझे ये डॉगी चाहिए, तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। जेन जागो। फिर भी तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से मेरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। ये अच्छा है, तो मैं जीतने के करीब हूँ और डॉगी मेरा होगा। मैं उसे क्या कहकर पुकारूंगी? रिची या शायद बॉबी। मुझे लगता है कि रिचर्ड नाम उसके लिए एकदम सही होगा। ड्राइंग अच्छी बनी है। ओह समय समाप्त हो चुका है, अपना काम दिखाओ। हमें किसके साथ शुरू करना चाहिए? जेन के साथ। ओह यह उतना अच्छा नहीं है। फीवी ने कैसा किया है? वाह सही ड्राइंग, तुम पक्का जीत रही हो, यह डॉगी तुम्हारा है। अरे मैं कब से डॉगी का सपना देख रही थी और अब यह मेरा है। सबसे पहले मुझे दूध और सीरियल खाना है। हाँ ठीक है, ओके मैं कोशिश करूँगी बेटा। सबसे पहले मुझे आटा और थोड़ी चीनी चाहिए। ये गया आटा और ये गया चीनी। हाँ अब मुझे उन पर उबलता पानी डालना है और इसे अच्छे से विस्क की मदद से मिला देना है और फिर इसे बेकिंग शीट पर फैलाना है। अच्छे से फैला दिया। अब इसे पकने के लिए अवन में रख देती हूँ। हाँ और थोड़ा इंतजार करना होगा। वाह कितने मजेदार मोल्ड्स हैं। मैं न्यूटेला सीरियल्स बनाऊंगी। इसे दबाने में कितना मजा आ रहा है। खैर ये रहा न्यूटेला, मैं इसे अपनी उंगली के सहारे बाहर निकालूंगी, पर पहले थोड़ा खा लेती हूँ। वाओ मजेदार। चलो मैं एक सिरिंज में न्यूटेला भर लेती हूँ और फिर उसे awesome! इस मोल्ड में भर देती हूँ। ऐसे मैं थोड़ी कैंडी भी डालूंगी
और मेरे स्कीटल्स होंगे यहाँ। वाह, मेरी छोटी बहन जरूर बहुत खुश होगी, खासकर जब इस शानदार कटोरी को देखेगी। ये कितना प्यारा, बस दूध डालना बाकी है, पर मैं इसे खोल पाती। आह, उफ, ओ, मैंने सब गिरा दिया। ओह, धन्यवाद दादी। ओह, कोई बात नहीं बेटा, चलो करो। चलो, इसमें दूध डाल दिया और हो गया। मुझे प्यारे से भालू की शेप के मिनी पैनकेक सीरियल बनाने का मन है। यह एकदम लाजवाब होने वाला है। ये उसके कान बन गए और ये लगभग तैयार है। मैं इसे एक कटोरे में रखती हूँ और इस पर अब दूध डाला और ये तैयार है। रुको, मेरा इंतजार करो, मुझे सीरियल बनाने के लिए बस थोड़ा और समय चाहिए। दादी, अच्छा मैं तैयार हूँ। हाँ, ये तैयार हो गया, बस दूध की कमी है। दूध डाल दिया। बॉन एपिटी बेबी। वाह, ये सीरियल बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। चलो इसे चेक कर देखती हूँ और दूध पीती हूँ। वाह, शुक्रिया बहन। वाह, कितने क्यूट भालू हैं। ये भी अच्छे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्वाद है। वाह, बहुत बढ़िया शेफ। वाह दादी, आपने भी अच्छी कोशिश की है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन क्रिस जीत गई। वाह, हुर्रे। सभी इधर ध्यान दो, प्लीज मेरे लिए हॉट डॉग बनाओ। हाँ बिल्कुल, यह तो आसान है। ये ठीक है बहन, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? अंडा तोड़ना है। आउच। तुम्हें अंडे को एक कटोरे में तोड़ना है, इसके बाद आटा बनाने के लिए दूध और मैदा मिलाना होगा। देखो ऐसे। दादी देखो, मैंने गैजेट खरीदा है, इससे अंडा ऐसे तोड़ सकते हैं। ओह क्या बकवास है। खैर, मेरा आटा तैयार है, अब मैं इसे ओवन में रख सकती हूँ। मेरा आटा भी तैयार है। उफ, मुझे इसे वफल आयरन में पकाना बहुत पसंद है। ओह बेटा, तुमने मुझे डरा दिया। बस दादी, इसे बंद कर देती हूँ। मेरा हॉट डॉग लगभग तैयार है। आप क्या कर रही हो दादी? क्या खुशबू है। मुझे सॉसेज को तलना है और फिर इस पर केचप और मस्टर्ड लगाना है। ये गया मस्टर्ड और ये गया केचप। वाह, बहुत बढ़िया दादी। लेकिन मेरे पास खुद की रेसिपी है। आटे को काला करने के लिए मैं ऑक्टोपस इंक का इस्तेमाल करूंगी और फिर इसे ओवन में रख देती हूँ। थोड़ा इंतजार करना होगा। शाबाश क्रिस, बढ़िया हॉट डॉग है। धन्यवाद, मैं चिप्स और चीटों से कुछ ब्रेडिंग भी डालूंगी। ये, और मैं उन पर सॉस लगाऊंगी। वाह, बढ़िया, सब पर। क्या खुशबू है। बढ़िया, अब मैं इसे काट लेती हूँ बीच से। वाह, ओह यह कैसी महक है, यह ऑक्टोपस है। हाँ सही कहा, बस इसे कुड़कुड़ा होने तक तलना है और फिर इसे ऐसे बन पर रखा और इसके ऊपर पिघला हुआ ब्लू चीज डालना है। पहले इसे पिघला लेती हूँ ऐसे और इसे डाल दिया ऑक्टोपस के ऊपर। अब केवल एक चीज की कमी है, वह है तीखी मिर्च, जो इसे और भी रंगीन बना देगा। यहाँ रख दिया और थोड़ा नींबू भी। बॉन एपिटी। वाह वाह, ओह मम्मी, यह क्या? ऑक्टोपस?
इसमें मिर्च भी है। मैं पक्का तीखी मिर्च नहीं खाऊंगी। चलो अब इसे थोड़ा चख कर देखती हूँ। ऑक्टोपस बहुत खराब है। नहीं, मैं इसे नहीं खा सकती। उफ, मैं दादी के बनाए गए हॉट डॉग को ही ट्राई करना चाहूँगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। वाह दादी, ये बहुत अच्छा है। लेकिन यह तो और भी टेस्टी है। इसे ट्राई करती हूँ। चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच कर रहा है। और मेरी बहन फिर से जीत गई। और अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। हाँ, ये बनाना बहुत आसान है। मैं शुरू करती हूँ। नींबू का रस निचोड़ना है और फिर इसे ब्लेंडर में डाले और फिर रास्पबेरी और बेसिल और फिर निश्चित रूप से चीनी। यह गया चीनी। अब इसे मिला देते हैं। अब ड्राई आइस डालने का समय है। ये गया। वाह, बहुत बढ़िया। ओह, क्या शानदार ऑयस्टर्स हैं। बढ़िया। रास्पबेरी आइसक्रीम पहले से ही तैयार है, तो मतलब मैं इसे परोस सकती हूँ। ये यहाँ इस तरह से रख दिया और यह तैयार है। मैं आइसक्रीम गैजेट ऑर्डर करूंगी। इसमें खाना बनाना बहुत आसान होता है। ये आ गया। बस इसमें दूध डालना है और फिर स्केटल्स। चलो इसे डाल देती हूँ। रंग बिरंगे स्केटल्स। और अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ। बेटा, क्या सब ठीक है? हाँ दादी, मेरी आइसक्रीम तैयार है। देखो, यह बढ़िया है। फिर मैं दूध और ताजी बेरीज और फलों से ब्लेंडर में अपनी आइसक्रीम बनाना शुरू करूंगी। बेशक इसमें ताजी ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी होंगे, साथ ही पिच के साथ कीवी और केला भी होगा। ये गया स्ट्रॉबेरी। और इसे मिक्स करती हूँ। अब कीवी, इसे भी मिक्स कर देती हूँ। और केला भी अच्छा रहेगा। चल, इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये पीच। और सबको एक साथ मिक्स करना है। मुझे बस उन्हें मोल्ड में फ्रीज करना होगा। अलग अलग मोल्ड में रख दिया और इसे फ्रीज में रख देती हूँ। रुको, मेरे पास इंस्टेंट फ्रिज स्प्रे है। मैं आपकी मदद करूंगी और बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये अब सब कुछ तैयार है। बॉन एपिटीट बेबी। हुर्रे! मैं अपनी बहन की आइसक्रीम से शुरुआत करूंगी। मुझे यकीन है कि ये बहुत स्वादिष्ट होगी। बहुत अच्छा। हुर्रे! शेफ ने कितनी शानदार आइसक्रीम बनाई है। वाव! चलो इसे चेक कर देखती हूँ। लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। उफ। बस अब दादी ने जो बनाया है उसे ट्राई करना बाकी है। स्वादिष्ट, बहुत अच्छा है। वाव! बहुत बढ़िया स्वाद। वाव! मैंने तय कर लिया, दादी जीत गई। धन्यवाद बेटा। इस बार मुझे मिल्क शेक चाहिए। ओह वाव, ठीक है, बहुत अच्छी चॉइस है। सब कुछ क्लियर है बच्चे। मैं इसे चॉकलेट आइसक्रीम और दूध के साथ बनाऊंगी। ये गया दूध। और फिर इसे बिस्क से अच्छे से मिलाऊंगी। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे क्रीम से सजाऊंगी तो
उसे ये जरूर पसंद आएगा। पहले मैं इसे अपने फेवरेट कप में डाल देती हूँ, फिर ऊपर से क्रीम और यह स्ट्रॉ। ये तैयार है। गैजेट का इस्तेमाल करके स्मूदी बनाना बहुत आसान है, जिसमें बस दूध डालना है और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। दूध गया, अब ये रहा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। इसे डाल देती हूँ और मिक्स करती हूँ। इसे ग्लास में डालना भी बहुत आसान है। वाओ! और अब इसे स्कीटल्स और गमी बेयर के साथ सर्व कर सकते हैं। और हाँ, मेरी फेवरेट क्रीम और स्प्रिंकल्स। ये गया क्रीम, पहले टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया, क्रीम डाला और ऊपर से स्प्रिंकल्स, रंग बिरंगी। और ये रहा स्ट्रॉ। हुरे, हम तैयार हैं, शेफ और आप। एक मिनट, मैं एक बड़े चॉकलेट अंडे में चॉकलेट आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी क्रीम के साथ मिल्कशेक बनाऊंगी। चॉकलेट आइसक्रीम, इसे डाल दिया। ओह, मैं इसे सजाना तो नहीं भूल सकती। क्रीम से सजा दिया और ये स्प्रिंकल्स, स्ट्रॉ और ये तैयार है। बॉन एपिटीट बेबी। 1, 2, 3, मैं दादी के मिल्कशेक से शुरू करूंगी। वाह, ये स्वादिष्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। यम्मी, धन्यवाद बेटा। वाह, मेरी बहन ने भी बहुत अच्छी ड्रिंक बनाई है, अद्भुत स्वाद, धन्यवाद। अब केवल शेफ की मिल्कशेक ट्राई करनी है ताकि मैं अपना फेवरेट चुन सकूं। वाह, ग्लास की जगह एक चॉकलेट अंडा है जिसे मैं खा भी सकती हूँ। धन्यवाद शेफ, ये बहुत अच्छा है। अद्भुत स्वाद, मैं पूरा खा लूंगी। वाह, बहुत बढ़िया। पर इस बार भी क्रीज जीत रही है। ये मैं जीत गई। ओ हटो, ज़ॉम्बी आ रहा है। रुक जाओ, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि तुम्हारे पास कोई कैंडी ना हो। और यहाँ क्या है? मम्मी, यार तुम्हें मुझे बताना चाहिए थे कि निकल सकता है। इससे पहले कि कुछ निकल जाए, अंदर आ जाओ। चलो, आखिरकार मैं अंदर आ गया। यहाँ तो मुझे तुरंत कुछ स्वादिष्ट खाने का मन है और मेरे हाथ में एक सीक्रेट पॉकेट है। मुझे ये रंगीन कैंडीज बहुत पसंद है। ओ हेलो वेंसडे, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा, माफ करो, कैंडी खत्म। नमस्कार, क्या आप मुझे पार्टी में जाने देंगे? क्या चल रहा है? कैंडी मेरे पास बिल्कुल नहीं है। फिर मैं इसे खुद खोजने की कोशिश करूंगा। अप्पा, यहाँ क्या है? छी, यह क्या बकवास है? और आपने यह नहीं देखा कि मैंने एक टॉयलेट का कॉस्ट्यूम पहना है? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। हेलो दोस्तों, सबसे मस्त टॉयलेट डांस फ्लोर को पकड़ने आ गई है, लेकिन पहले खुद को फ्रेश करने और एक्स्ट्रा लोड को फेंकने की जरूरत है। क्या आपने अभी इस पर विश्वास कर लिया? मैं छुपकर एक ट्रीट लाई हूँ, चलो इसे चखते हैं। वाओ, कितना टेस्टी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यह कैसे किया है। एक मीठा पूप बनाने के लिए हमें न्यूटेला और एक पाइपिंग बैग चाहिए। न्यूटेला को एक बैग में डालें और एक प्लेट पर निचोड़े। बस हो गया, अब हम इसे टॉयलेट सूट में डालते हैं और हमारा ट्रीट तैयार है। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत कम। ओ हाय डीजे, धन्यवाद, मैं अब एक असली टॉयलेट हूँ। हेलो मिस्टर गार्ड, क्या आप एक चुड़ैल को हेलोवीन पार्टी में जाने से मना करेंगे? चुड़ैल को तो नहीं, लेकिन कैंडी को अंदर नहीं जाने दे सकता। सच में? अरे यार, हेलोवीन पार्टी, वो भी ट्रीट्स के बिना, मुझे पार्टी करना है। एक सेकेंड, पार्टी में जाने के लिए पहले मुझे चेकिंग करनी होगी। और आपके पास कोई कैंडी नहीं होनी चाहिए? आपके पास कुछ भी नहीं है?
सभी यही कहते हैं, पर मैं अभी इसकी जांच कर लेता हूँ। यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन सिर के करीब क्या है? ओह, यह हुई ना बात, तो मुझे दिखाओ, कुछ मीठा है यहाँ शायद। ओह बस करो। ओह माफ करना, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया, खुद ही दिमाग से खेल रहे थे। खैर मैं जाती हूँ, धन्यवाद। हाय दोस्तों, इस भयानक शाम की रानी तुम्हारे लिए आ गई है। अब मैं एक मीठा स्नैक्स खाने जा रही हूँ और तुम्हें दिखाऊंगी कि यहाँ डांस फ्लोर पर कौन धूम मचाता है। यह मस्ती बहुत स्वादिष्ट है। यह क्या है? अरे मिस, क्या तुम ठीक हो? हाँ, पर यह क्या है? अरे बाप रे, यह मेरे दिमाग को खाने जा रही है। आज कितनी अच्छी कामकाजी शाम है। ओ, यहाँ क्या है? इतना शांत। हो माँ। हाँ, मैं एक फनी जोकर हूँ, मैं पार्टी में आया हूँ। हाँ, यह सूट से दिख रहा है, कोई कैंडी नहीं ले जा सकते। चलो अभी जांच करता हूँ। हाँ, यहाँ सब ठीक है। रुको, तुम रुक जाओ। तुम्हारे पास यहाँ क्या है? यह साल की सबसे अच्छी पार्टी है, कूल म्यूजिक। चलो अब डांस करते हैं। धक्का मत दो। आउच, सॉरी मिस्टर क्लाउन, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे नहीं चाहिए था, मुझे डांस करने का मन है। हेलो स्केलेटन, अंदर कोई मिठाई नहीं ले जा सकते, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलो मैं चेक करता हूँ। खैर ठीक है, सब कुछ ठीक लग रहा है, अब जा सकते हैं। एंजॉय। डांस फ्लोर पर आओ पम्पकिन हेड। हुर्रे, मैं पार्टी में घुस गई और कैंडी भी लेकर आ गई हूँ। तुम्हें मेरा डांस कैसा लगा? आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मेरी कैंडी कहाँ है। यहाँ है, मार्शमेलो को मैंने अपने कॉस्ट्यूम पर हड्डियों की तरह लगाया था। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया मार्शमेलो हड्डी के लिए। हमें निश्चित रूप से मार्शमेलो की जरूरत है और टूथपिक्स की। हम टूथपिक्स पर मार्शमेलो चिपकाते हैं और उन्हें सूट पर ग्लू करते हैं। यह हो गया, देखा मेरा कमाल का आइडिया। फिर चलो दोस्तों एक साथ डांस करते हैं। मैं उसे ऐसे फिर ऐसे मारूंगा और आखिरी बार। ओ, तुम कौन हो? वैम्पायर या कुछ और? तुम अपने साथ कैंडी नहीं ले जा सकती? तुम्हारे पास कुछ है? अगर मुझे मिल जाए तो। ओ, चलो देखे, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तुमने तो मुझे खुद ही बताया, गमी दांत है ना। नकली वैम्पायर, बाहर निकलो। हाँ, यह पक्का कैंडी है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और एक और नकली वैम्पायर, यह साइन दिख रहा है? मुझे अपने दांत दे दो, अभी दो। अरे तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अंदर कैंडी ले जाना मना है। क्या कर रहे हो मिस्टर? अरे ये मुझसे दूर करो। मेरे पास ये दांत 100 सालों से है। हाँ, और तुमने उन्हें कसकर चिपका दिया, सुपर ग्लू से किया है ना। खैर मैं निकालूंगा, नहीं काम नहीं कर रहा है, तुम अंदर चले जाओ, लगता है असली है। हुर्रे, मैं आ गई। उस बेवकूफ गार्ड ने मुझे लगभग पकड़ लिया था। मेरे प्यारे मॉन्स्टर्स, क्या यहाँ किसी को कुछ मीठा चाहिए? मेरे पास बहुत है। मेरा केक कैसा लगा? मुझे बहुत भूख लगी है। यह मेरा फेवरेट है। तो मुझसे दूर हो जाओ, मैं लालची नहीं हूँ। चलो ले लो। मैं पूरी शाम कैंडी के बारे में सपने देख रहा था। धन्यवाद वैम्पायर, इसकी ही जरूरत थी, बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे अरे, क्या यहाँ कोई पार्टी चल रही है? हाँ, यहाँ कैंडी के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए अब चेकिंग होगी। तो यहाँ कुछ नहीं है। अरे यहाँ क्या है? मेरा डिटेक्टर बता रहा है कि यहाँ कैंडी है, मुझे दे दो। ओह गमी, शायद चॉकलेट। और इसमें क्या है? देखो मैं क्या कर सकता हूँ। सर रुको, मेरा सिर घूम रहा है। यह क्या है? ओह यह तुम्हारी आँखें हैं, मुझे माफ करो, मैं इसे सही जगह पर लौटा रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। अब तुम देख सकते हो, जाओ अंदर जाओ, और तुम्हें रोकना होगा। ओह मैं गार्ड से तो बच गया। इस शाम की सबसे मुश्किल घड़ी बीत चुकी है और अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। और यहाँ सब कितने सुंदर लग रहे हैं। ओह सूट में गर्मी लग रही थी और मुझे बहुत भूख लगी है। यम्मी। अरे पम्पकिन, क्या तुम स्नैक चाहिए? शायद भूख को चाहिए। नहीं, खैर कोई बात नहीं, मैं खुद सब कुछ खा लूंगा।